बरुआ डीसी पुराना पुलिस लाइन मैदान में शुक्रवार को आरएनपीएल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप सीजन 1 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया। बताया गया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से कुल 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है। पहले क्वार्टर थाना आरएनपीएल और फॉर यू मोबाइल बरुआडी के बीच खेला गया। इस बाबत बताया गया कि कुल 8 टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। इसके बाद 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं चैंपियनशिप का फाइनल मैच 15 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा। इस चैंपियनशिप के उद्घाटन स्पॉन्सर सलूजा गोल्ड है। वहीं आईएमएस जय माता दी, मार्बल टेक्नो रामजी समेत अन्य स्पॉन्सर है। टूर्नामेंट को सफल बनाने में विवेक सिन्हा, मनोज जलान, रामजी यादव, प्रेम कुमार, अभिनव कुमार आदि लोग लगे हुए हैं। ये पुलिस लाइन ग्राउंड में आरएनपीएल की तरफ से काफी सुंदर क्रिकेट का आयोजन। धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी मैनेजमेंटकर्ताओं को, और यहाँ दर्शक भी काफी उत्साहित हैं और काफी उत्साह से मैच देखते हैं, दिन भर देखते हैं दर्शक। मैच भी काफी रोमांचित हो रहे हैं लगातार, और हम यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। मैदान में आज पहली बार हम लोग पहली बॉल क्लब के द्वारा अच्छी फील्डिंग की मांग हुई है, काफी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं सब लग रहे हैं कि एकदम इंडिया लेवल में खेले हुए प्लेयर यहाँ पे हैं। और इस मैच में रोमांच तब आ गया जब 15 बॉल 10 बॉल में 30 रन बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी। वाकई में बहुत रोमांचक मैच यहाँ पे हो रहा है। आरएनपीएल नॉकआउट क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 1 का ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये क्वार्टर फाइनल अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद इसी का एक सेमीफाइनल मैच भी खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची और 4 टीमें पहुंची सेमीफाइनल के लिए। इसका जो फाइनल मुकाबला है वो 15 तारीख को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है, जो टाइटल स्पॉन्सर है सलूजा गोल्ड है, और साथ ही जो को स्पॉन्सर है रामजी विकेट हुए टेंट हाउस और जाएंगे मोबाइल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 45 बनाकर ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, इन दोनों के इन सब के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।